हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फोटोकेमिस्ट्री का जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो आज मैं इसमें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ फोटोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर नेट और गेट के क्वेश्चंस, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो है ये जून 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, एच आई का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन एच न्यू, उसको आई एब्जॉर्ब लिखा हुआ है और एच प्लस आई बन रहा है। देन इसके बाद ये एच प्लस एच आई के वन के रेट से ये एच टू और आई बन रहा है। देन आई प्लस आई किसी एम के साथ के टू के रेट से आई टू प्लस एम बन रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंसिडरिंग हाइड्रोजन एंड आयोडाइड एज एन इंटरमीडिएट, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ एच आई क्या होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एच आई के रिमूवल का रेट निकालना है। तो आप देखो, दो केस में है जहाँ पर एच आई डिकम्प, एक यहाँ पर है जहाँ पर एच आई है और दूसरा एच आई यहाँ पर है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दिख गई। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो एच आई का डिकम्पोजिशन एक पहले स्टेप में हो रहा है और दूसरे स्टेप में हो रहा है, तो दोनों स्टेप में क्या होगा, रेट घटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डी एच आई बाई डी टी क्या होगा, ये देखिए माइनस आई एब्जॉर्ब। और एक चीज़ आप नोट करिएगा, जब यहाँ पर कोई रेट नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर कोई रेट नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली जो है आई एब्जॉर्ब के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने निकाला हुआ था प्रीवियस वीडियो में। आप जब जा करके देख लोगे तो वहाँ पर जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको आई एब्जॉर्प्शन लिखते हैं और एच आई के कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गया माइनस आई एब्जॉर्ब माइनस के वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ, सॉरी यहाँ से मिला मुझे, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड एच आई के वन के रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये हो गया। देन एच एच यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है इस रेट में, देखिए आप इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, यहाँ पर एच और एच आई है, तो एच एज ए इंटरमीडिएट है, तो इस पर मैंने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो डी एच बाई डी टी क्या होगा, अब देखिए डी एच बाई डी टी क्या हो गया, यहाँ पर है एक रेट जहाँ पर हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है एच टू में, बन रहा है मतलब, तो एक एच है, तो यहाँ पर हो गया माइनस। ठीक है, माइनस के वन के रेट से डिक्रीज करेगा और दूसरा यहाँ पर हो गया ये जो बन रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आई एब्जॉर्ब माइनस के वन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एच एंड एच आई इजक्ल टू जीरो। तो यहाँ से मैंने आई एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाल ली, देन मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पर के वन और एच आई की वैल्यू जो है पुट कर दिया ये उठा करके, देन मुझे मिल गया ये टू आई एब्जॉर्ब। तो इसका ऑप्शन भी था, इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए थे, आई एब्जॉर्ब, टू आई एब्जॉर्ब अपॉन टू एंड आई एब्जॉर्ब अपॉन फोर, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, फ्लोरसेंस क्वांटम यील्ड एंड द फ्लोरसेंस लाइफ टाइम ऑफ ए मॉलिक्यूल आर 0.4 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, ये दिया हुआ है आपको। इफ़ द फ्लोरसेंस डीके रेट कांस्टेंट इज वाई इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वाई विल भी क्या होगा। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिंपली आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये वाई है, हाँ ये याद रखना, रेट कांस्टेंट में वाई इंटू 10 टू द पावर 7 है। तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे, पहले देखिए क्या दिया हुआ है भाई, दिया है क्वांटम यील्ड 0.4 और क्या दिया है, लाइफ टाइम 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। तो फ्लोरसेंस का लाइफ टाइम दिया है, फ्लोरसेंस का क्वांटम यील्ड दिया है, उसके बाद देन क्या है, रेट कांस्टेंट दिया है फ्लोरसेंस का, केएफ कितना दिया है, वाई इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है बोलो, वाई इज इक्वल टू केएफ इंटू टाउ एफ। तो यहाँ मैंने केएफ की वैल्यू उठा करके रख दिया सिंपल, तो फाइव की वैल्यू 0.4, के एफ की वैल्यू वाई इंटू 10 टू द पावर 7, टाउ एफ की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 8। ठीक है, क्लियर है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग। ठीक है, आप जितने भी मेरे ऑडियंस हो आप लोग प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम प्लस एच न्यू इज फॉर्मिंग एम स्टार। हाँ देखो, एम स्टार और रेट इसका दिया है आई एब्जॉर्ब, उसके बाद क्या है, एम स्टार प्लस क्यू, ये बन रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम प्लस क्यू में, और इसका जो रेट कांस्टेंट है ये के क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम स्टार।
देन इसके बाद ये दिया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरसेप्ट एट q इक्वल टू 0 इज 4 फॉर द इनवर्स ऑफ फ्लोरसेंस इंटेंसिटी 1 बाई आई एफ वर्सेस q, प्लॉट द वैल्यू ऑफ आई एब्जॉर्ब। तो वहाँ पर ये प्लॉट है और वैल्यू ऑफ आई एब्जॉर्ब क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं स्टडी स्टेट, यहाँ पर इंटरमीडिएट मुझे क्या दिख रहा है, एम स्टार। तो एम स्टार पे हम स्टडी स्टेट लगा रहे हैं, एक यहाँ पर तीन एम स्टार है, ठीक है। तो लगाया मैंने, तो पहले केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर एम स्टार फॉर्म हो रहा है तो आई एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली, उसके मतलब आई एब्जॉर्ब रेट दिया हुआ है ना इसलिए, तो आई एब्जॉर्ब माइनस उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एम स्टार मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब एम स्टार रिएक्टेंट में है तो ये क्या होगा घटेगा, माइनस के क्यू इंटू क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम, ये रेट दिया हुआ है यहाँ पे। देन लास्ट में माइनस 0.2 इंटू एम स्टार इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं आई एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो आई एब्जॉर्ब मेरा इतना आ गया, उसके बाद बोल रहा है कि आई एफ कितना दिया है, देखिए ये जो है फ्लोरसेंस का प्रोसेस हो रहा है ना, एम स्टार मतलब ये सिंगलेट है जो भी है, तो यहाँ से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जा रहा है प्लस एच न्यू फ्लोरसेंस, मतलब ये फ्लोरसेंस का रेट है, ठीक। तो फ्लोरसेंस का इंटेंसिटी है, मतलब आई एफ इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम स्टार होगा रेट, तो आई एफ बराबर 0.2 इंटू एम स्टार हो गया। अब देन एम स्टार की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, हाँ ठीक, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक काम मैं और कर सकता हूँ कि मैं इस डायरेक्टली इस आई एब्जॉर्ब को जो है अगर आई एफ से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे 1 बाई आई एफ चाहिए, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको निकालना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने ये आई एब्जॉर्ब अपॉन आई एफ कर दिया, तो ये मुझे इस फॉर्मेट में मिल गया के क्यू इंटू क्यू अपॉन 0.2 प्लस 1, ठीक है। फिर इसको मैंने आई एब्जॉर्ब को इधर राइट साइड भेज दिया, तो ये मुझे इस टाइप से इक्वेशन मिल गया। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब मेरा जब क्यू जीरो है, तो जब क्यू जीरो होगा तो ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, तो मुझे बचा क्या, 1 अपॉन आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एब्जॉर्ब। तो उस केस में इंटरसेप्ट कितना होगा, 1 अपॉन आई एब्जॉर्ब, तो आई एब्जॉर्ब 1 अपॉन आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 1/4.25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, हाँ नेक्स्ट। फ्लोरसेंस लाइफ टाइम ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सोल्यूशन इज इतना 10^5 × 10⁻¹¹ द सम ऑफ ऑल द नॉन रेडिएटिव रेट कॉन्स्टेंट के एन स्टार की नॉन रेडिएटिव फॉर 1 मोल डी के ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज 1.2 × 10⁸ इनवर्स। सो ये आपको पूछ रहा है फ्लोरसेंस क्वांटम यील्ड कितना होगा, तो आपको दिया क्या है, ठीक है, लाइफ टाइम दिया है, फ्लोरसेंस लाइफ टाइम ऑफ ए मॉलिक्यूल ये इतना दिया है, और जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का रेट कांस्टेंट है वो दिया है, हाँ फॉर द डीके, ठीक है, फॉर द डीके ऑफ द एक्साइटेड स्टेट 1.2 × 10⁸ सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, तो मुझे टाउ एफ दिया है देखो, हाँ, और टाउ एफ हम जानते हैं कि फ्लोरसेंस प्रोसेस में क्या होता है, बोलो भाई, 1 अपॉन के आई सी प्लस के आई सी प्लस के एफ, ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं फ्लोरसेंस क्वांटम यील्ड कितना होता है, के एफ इंटू टाउ एफ, जानते हैं ना, हाँ हमने किया है। अब ये क्या बोल रहा है कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मैंने बताया था आपको क्या क्या है, एक के आई सी है इंटरनल कन्वर्जन प्लस के आई एस सी है दोनों इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, तो ये दोनों नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, तो इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है ये। अब के एफ यहाँ से निकाल जाएगा, के एफ निकल जाएगा, ये देखिए कहाँ से निकालोगे आप, तो हमारे पास ये दिया है, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये टाउ मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है, के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के एफ इजिकल टू 1/टाउ एफ आ जाएगा, तो ये 1/टाउ एफ माइनस ये आ जाएगा, ठीक, के आई सी प्लस के आई एस सी, तो ये आपको निकल गया, तो के एफ मिल गया। तो कैसे निकालोगे, फ्लोरसेंस जस्ट फार्मूला रख दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली 0.4 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था, हाँ बट ट्रिकी है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, ये गेट का क्वेश्चन था। अगला देखिए, C4H10 प्लस एच न्यू, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा दिया है, ठीक है, K1 और K इनवर्स और 2C2H5, ये जून 2015 का क्वेश्चन है।
तो C2H5 ये बन रहा है आपका, देखिए दो मॉलिक्यूल ये बन रहा है। हाँ, देन बोल रहा है कि इफ़ I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट एब्जॉर्ब, द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल किसके होगा। हाँ, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कैसे करोगे भाई बताओ ज़रा, रेट रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये स्लो स्टेप, तो नीचे स्लो स्टेप दिख रहा है मुझे, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K2 इंटू C2H5 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। देन C2H5 आपको दो स्टेप में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है, तो इस पर लगा दो स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D C2H5 by dt इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, दो मोल बन रहे हैं इसके, तो इसका मतलब 2i एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो 2i एब्जॉर्ब इंटू रेट क्या है, K1 दिया हुआ है, ठीक है, K1, जबकि बैकवर्ड भी हो रहा है, ठीक है, किसके, K इनवर्स C2H5 का होल स्क्वायर से बैकवर्ड हो रहा है, देन माइनस K2 C2H5 का होल स्क्वायर, ये डिक्रीज कर रहा है C2H5 का कॉन्सेंट्रेशन, बराबर जीरो, तो यहाँ से C2H5 होल स्क्वायर क्या मिला मुझे, 2i एब्जॉर्ब K1 अपॉन K इनवर्स प्लस K2, तो इसको मैंने उठा करके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो मुझे ये अब रेट मिल गया। अब ये रेट, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, ओनली ये i एब्जॉर्ब के प्रोपोर्शनल है, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, i एब्जॉर्ब के, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ए सबस्टेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एट 10^-3 मोलर कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब 10% ऑफ एन इंसिडेंट रेडिएशन इन ए पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द 90% ऑफ द सेम रेडिएशन। अच्छा, तो देखिए ये बियर लेमेंट्स लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बोल रहा है कि सबस्टेंस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और ये एक केस में 10% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे केस में 90% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका कंसंट्रेशन निकालना है सेकंड वाले का, और पाथ लेंथ दोनों के केस में सेम रखा गया है और मीडियम भी सेम है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है, लॉग ऑफ I0 / I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL होता है ना, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, एब्जॉर्बेंस 10% है, 10% हो गया, लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो लॉग ऑफ I0 / I कितना होगा, I0 हो गया तुम्हारा 100, ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा बोलो 10, नहीं 90 होगा, ठीक है। कैसे, आप सिंपली देखो, एब्जॉर्बेंस दिया है 10% ना, तो लॉग ऑफ ये मतलब 10% एब्जॉर्ब हुआ, मतलब 90% क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ ना, तो हम I0 क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, और I क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, तो I कितना हो गया 90, तो लॉग ऑफ 100/90 इज इक्वल टू एप्सिलॉन C1 × L। ऐसे दूसरे केस में 90% एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब I0 जो है 100 है, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन 100 है, उसका 90% एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ट्रांसमिट कितना होगा 10% ओनली, ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, तो लॉग ऑफ I एप्सिलॉन C2 L कर दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो ये C की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया था, तो आप इस तरह से देख करके और सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन ए सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर पासिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट ऑफ द सबस्टेंस। तो आप कैसे इसको करोगे, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखना होगा, हाँ, तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, ठीक, द 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जा रहा है, ठीक, तो आई जो हो रहा है कितना हो रहा है, मतलब I0 है आपका 100%, ठीक है, तो I जो हो रहा है वो 1/4 हो रहा है I0 का, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.25 into I0, ठीक। तो हम जानते हैं एब्जॉर्बेंस क्या होता है, मेरे पास log ऑफ I0 / I, ठीक है, तो I जो है ये 1/4 है I0 का, समझ रहे हैं ना, ठीक है,
तो इसलिए 0.25 आ रहा है, तो 25% आ रहा है। तो आई की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्टली 0.25 इंटू आई जीरो भी यहाँ पे रख सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, हाँ। तो ये आई जीरो बाई आई यहाँ से निकाल सकता हूँ 100/25, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। देन लॉग ऑफ आई जीरो बाई आई, तो लॉग ऑफ 100/25 एप्सिलॉन सी एल, सी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.05 मोलर और लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है, सिंपल आप निकालोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा आंसर एप्सिलॉन का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड एट x1 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरसेंस बैंड्स आर ऑब्जर्व एट x2 and x3 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। मोस्ट ऑफ द केस द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता ही है, तो क्या होता है कि सिंपल हम जानते हैं कि ये दो अगर स्टेट है, सिंगलेट स्टेट, तो ये ग्राउंड स्टेट है। सपोज यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, तो ये लाइट एनर्जी पड़ रही है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। देन ये इसके एक्साइटेड के ग्राउंड से, फर्स्ट वाइब्रेशनल ग्राउंड से ये ग्राउंड स्टेट में आता है और फोटोन एनर्जी इमिट करता है एच न्यू। और फॉस्फोरसेंस क्या होता है कि ये लोअर स्टेट में होता है। सपोज ये T1 है, ये S1 है, हाँ, तो ये T1 से आएगा, ठीक है। तो आप एक तो चीज़ क्लियरली दिख रही कि फॉस्फोरसेंस के क्रम में सबसे एनर्जी कम लग रही है नीचे आने में, तो अगर एनर्जी कम तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। फ्लोरसेंस में आप देखो, फ्लोरसेंस और एब्जॉर्प्शन दो चीज़ में कन्फ्यूज़न है आपको। तो एब्जॉर्प्शन में हमेशा क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों ज़्यादा लगेगी? क्योंकि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहेगा और रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो जब भी होगा, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये यहाँ से एक्साइट होगा, तो ये सपोज सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट S1 में गया या S2 में भी जा सकता है, ठीक है, S2 में भी जा सकता है, देन S2 से S1 में आएगा। तो सपोज मैं मिनिमम क्राइटेरिया मान रहा हूँ कि अगर S0 से ये S1 में गया, ठीक है, तो S1 में गया तब भी इसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी में रहता है। और जो ये फ्लोरोसेंस है, ये मैंने आपको बोला था कि जो S1 है, S1 के फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट V=0 से ट्रांजिशन होता है ये S0 में, तो इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू एब्जॉर्बेंस थोड़ी कम है। तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा एंड देन इसका सबसे कम होगा। तो सबसे कम होगा आपका X1, देन होगा X2, देन होगा X3। तो अकॉर्डिंग मतलब ये कॉन्सेप्ट, द आंसर विल भी क्या होगा, थर्ड होगा। X1 वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा, देन उसके बाद X2 होगा, देन X3 होगा, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो यार, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों को और अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, वी विल मीट यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।